सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर राज वीलॉग्स। आज है संडे और आज एक शॉर्ट राइड पे निकला हूँ। अ प्लेस क्लोज बाय माय हाउस, घर से बाजू में ही है, कुछ 18 या 20 किलोमीटर पे है। जगह का नाम है डिंडीगढ़, शंकर का मंदिर है, पहाड़ पे है मंदिर। हो तो चलो चलते हैं और आज का आज भगवान के दर्शन करते हैं। Now we are reaching Bhiwandi bypass और यहाँ से कुछ 400 मीटर पे राइट टर्न दिखा रहा है। दिस प्लेस इज ऑन द नासिक हाईवे। इगतपुरी को जो आप राइट टर्न लेते हो कहाँ है ये प्लेस था नहीं, आप वो देख सकते हो या नहीं, जो पहाड़ है जो दिख रहा है सामने उसके ऊपर मंदिर है शंकर का, हमें वहाँ जाना है। तो यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है श्री दिंडेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ प्रवेश द्वार है जिसे आप देख सकते हो और ये प्लेस है रेस्टिंग प्लेस। ये है पार्किंग लॉट, यहाँ पार्किंग कर सकते हो आप गाड़ी का। और ये जो सामने दिख रहा है आपको रास्ता, यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर को जाने का। तो नीचे किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। नराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरति गंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो बस। तुम्ही कुठे राहता? सावदला राहतो आम्ही। जवळपास आहे का इथं? हा, इथून 10 किलोमीटर आहे। तुम्ही नेहमी येता की पहिल्यांदा आले? नाही, नेहमी येतो आम्ही इथे, म्हणजे जास्त चांगलं वाटतं आल्यावर, फ्रेश फील वाटतं। तुझं नाव काय? ईश्वर। तुझं नाव काय? दिनेश। तो ये लोग जो मिले हमें यहाँ के प्रॉपर है, आजू बाजू में रहते हैं और हमेशा आते हैं यहाँ। तो अभी दो मिल गए, दो पोटेंशियल सब्सक्राइबर, तो अभी इनको बोलता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। काय म्हणणं काय तुमचं याच्या बद्दल, जागे बद्दल? याच्या बद्दल म्हणजे म्हणणं आहे आमचं की हा स्पॉट एकदम बघण्यासारखा स्पॉट आहे आणि इथे येणारे सगळे आपले जे लोक असतात बघून एकदम भारावून जातात या जागेला। आणि इथल्या प्रकारे म्हणजे वैशिष्ट्य सांगायचं, इथे प्राचीन मंदिर सुद्धा आहे। प्राचीन मंदिर तिकडे येतो, खाली येतो, खालती म्हणजे काय, आपण एंट्री करतो तो रस्ता आहे तिथं। हा, रस्त्यामध्ये गाडी पार्क करतो, गाडी पार्किंगच्या इथून खाली जावं लागतं तिकडे। आणि तिथे प्राचीन मंदिर आहे आणि प्राचीन मंदिर दगडांचा काम केलेला आहे तिथे प्राचीन मंदिरात। आणि हा इथे नवीन मंदिर आहे, वरती आहे तो। अच्छा, जो मंदिर आहे आता वरचा तो नवीन बांधलेला मंदिर आहे, मेन जो मंदिर आहे मूळ मंदिर तो खालती खाली। ठीक आहे, आज लेट हो गए, परत एकदा येऊ आम्ही आणि खालच्या मंदिरला पण भेटू। आणि या दोघांमुळे एक बरीचशी माहिती भेटली आपल्याला, त्याच्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे, धन्यवाद। हे है टॉप व्ह्यू ऊपर से, जो आप नीचे देख सकते हो वो भिवंडी सिटी है। वो खाड़ी जो दिख रहा है सामने, कल्याण का खाड़ी है और उसके आगे कल्याण है। ब्यूटीफुल प्लेस। दोपहर के इधर 1 बज रहे हैं, 1:30 हो चुके हैं, फिर भी यहाँ फॉग है ऊपर से, इसलिए क्लैरिटी विजिबिलिटी नहीं है उतनी, लेकिन ब्यूटीफुल प्लेस है, आप आना चाहिए जरूर, एक बार तो आप विजिट करना ही चाहिए। और जो तो बच्चे लोग ने बताया था, एक मंदिर है जो पुरातन मंदिर है जो शंकर का, उसे भी एक दर्शन, उसके भी दर्शन करना चाहिए, लेकिन लेट हो गए तो शायद आज ना जा पाए।
कदंब कुंकुम द्रव गलित दिव्य धूमुखे मदांद सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय तो अभी आई एम ऑन द टॉप टेरेस पे हूँ मंदिर के। ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से और ये व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, बेहतरीन प्लेस, एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ आइए कभी। ये सामने जो यहाँ से नासिक हाईवे है, लेकिन मोबाइल के क्लैरिटी उतना नहीं है इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ आपको मैं। एक अच्छा प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस टू कम एंड स्पेंड अ संडे विथ योर फैमिली। टीका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके नराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीति नीतमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत्त सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर ओम नमः शिवाय। तो स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं।